तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो कि इंसानों को पकड़ कर उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर हेटर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठ कर एक पिक्चर को देख रहा होता है। उसमें तीन कुत्ते एक के पीछे एक जुड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर ट्रक में से निकलकर हल्का होने के लिए जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेटर अपनी कार से एक राइफल निकालता है और वो उसे वहीं पर शूट कर बेहोश कर देता है। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जैनी और दूसरे का नाम लिंडसे था। ये दोनों लड़कियाँ न्यूयॉर्क से थीं और ये जर्मनी में अपने टूर पर आई थीं। इन दोनों को कहीं पर पार्टी में जाना था लेकिन इन्हें जर्मनी के किसी भी इलाके के बारे में पता नहीं होता। लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर उस पार्टी के लिए निकल जाती हैं। इन्हें लोकेशन के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं होता है, इसलिए जंगल के रास्ते काफ़ी दूर निकल जाती हैं और ये अपना रास्ता भटक जाती हैं। अब जैसे ही ये अपना रास्ता चेंज करने के लिए यू टर्न लेती हैं तो इनका टायर पंचर हो जाता है, जिससे कि दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब इन दोनों में से किसी को भी कार का टायर बदलना नहीं आता था। अब इसलिए ये दोनों मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन इस जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों डिसाइड करती हैं कि ये दोनों कार में ही रहेंगी। तभी रास्ते में एक कार गुजरती हुई इन्हें दिखाई देती है, जिससे दोनों हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा हुआ होता है जो कि इन दोनों को अकेला देखकर इनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव कर रहा था, जिससे कि ये दोनों डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं और अब बूढ़ा आदमी भी वहाँ से चला जाता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों आसपास एक घर को ढूंढने लगती हैं जिससे कि वो वहाँ पर पहुँच कर हेल्प मांग सकें। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और ये जंगल में अपनी हेल्प लेने के लिए जाती हैं और किस्मत से इन दोनों को एक घर की लाइट दिखाई देती है और जिससे कि ये दोनों उस घर की तरफ जाती हैं। अब वहाँ पर काफ़ी तेज बारिश होने लगती है जिससे कि ये दोनों वहाँ पर पहुँचने आती हैं, लेकिन अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई थी। खैर अब ये दोनों जब उस घर के दरवाजे को नॉक करती हैं तो उस घर के अंदर से डॉक्टर हेटर निकल कर आते हैं। अब ये दोनों उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमें किसी भी तरीके से मैकेनिक को कॉल करना है। ये सुनकर डॉक्टर हेटर पहले तो इन दोनों को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है और उसके बाद इन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। डॉक्टर हेटर इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो, जिस पर ये दोनों बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क से यहाँ पर अपने टूर के लिए आए हुए हैं। इसके बाद ये दोनों हेटर को मैकेनिक को कॉल करने के लिए बोलती हैं। इसके बाद डॉक्टर हेटर इनको कुछ पीने के लिए पूछता है, जिस पर ये दोनों पानी पीने के लिए कहती हैं और इसके बाद हेटर पानी लेने के लिए चला जाता है। हेटर ऐसे नाटक करता है कि जैसे वो मैकेनिक को कॉल कर रहा है और इन दोनों को लगता है कि जैसे हेटर मैकेनिक को कॉल कर रहा है, लेकिन हेटर पानी में ड्रग्स मिलाकर इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। लिंडसे तो उस पानी को पी लेती है लेकिन जैनी के हाथ से वो पानी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर हेटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और अब वो पानी को साफ करने के लिए टॉवल को एक बेसमेंट से लेने के लिए जाता है। वो बेसमेंट में एक इंजेक्शन को फील करने लगता है। इधर दूसरी तरफ लिंडसे कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि लिंडसे पर ड्रग्स का नशा हो रहा है। अब जैनी लिंडसे की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और हेटर को फिर से कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन अब हेटर अपनी असली जैनी को दिखाता है और इस इंजेक्शन को उसके अंदर लगा देता है, जिससे कि जैनी मौके पर ही बेहोश हो जाती है और इसके बाद हेटर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब जब जैनी और लिंडसे को होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती हैं। वो दोनों हेटर के लैब में थी जहाँ पर उसने उन दोनों को एक बेल्ट पर बांध दिया था। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है और ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे हेटर ने शूट कर बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ पर हेटर आता है जो उसे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है और फिर वो एक पॉइजन से भरा इंजेक्शन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो ट्रक ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। फिर वो उस ट्रक ड्राइवर की बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर उसे वहीं पर दफना देता है। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हेटर एक जैपनीज आदमी को पकड़ कर अपने घर लाता है, फिर हेटर उसे अपने लैब में ले जाता है। खैर अब इसके बाद हेटर उन सबको अपना इंट्रो देता है। वो उन सबको बताता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है और वो उन सबको ये भी बताता है कि वो किस तरीके से इन तीनों को जोड़ने वाला है, जिसमें वो सबसे पहले इनके घुटने के लिंगामेंट्स को तोड़ देगा,
जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। इसके बाद वो पहले इंसान को दूसरे इंसान के मुंह से जोड़ देगा, जिससे कि जब पहला आदमी खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के मुंह से होता हुआ तीसरे इंसान के मुंह में चला जाए। और जैसा कि आप साफ साफ इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ये सुनकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट इनके ऊपर एक बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। खैर, अब सबसे पहले हेटर उस जैपनीज आदमी को सेलेक्ट करता है। ये सब देखकर जैनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। अब डॉक्टर हेटर जैनी को भी बेहोश करने वाला था, लेकिन तभी लिंड से वहां से उठकर भाग जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक निडल लगी हुई थी, जिससे कि उसके हाथ की चमड़ी उखड़ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन वो किसी तरीके से एक रूम में चली जाती है और उस डोर को लॉक कर देती है, लेकिन तभी वहां पर हेटर आकर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंड से वहां से भागने लगती है और वहां से भागकर लिंड से एक स्विमिंग पूल में आ जाती है। अब डॉक्टर हेटर भी उसके बिल्कुल पीछे पीछे होता है और वो उसे ढूंढ लेता है। अब डॉक्टर हेटर एक राइफल लेकर उसे वहां पर मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी लिंड से पानी के अंदर जाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उसी वक्त वहां की लाइट भी चली जाती है। लिंड से अब जैनी के पास पहुंचती है, लेकिन जैनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए लिंड से उसे घर सीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी हेटर लिंड से पर पीछे से अटैक कर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद हेटर इन्हें अपने लैब में ले जाकर इन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और इनका ऑपरेशन करने लगता है, और अब फाइनली काफी लंबी सर्जरी के बाद ये इन तीनों को आपस में जोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेटर द्वारा बनाया गया ह्यूमन सेंटीपीड अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इन तीनों के जख्म सही से भरे भी नहीं थे और हेटर इन तीनों को चलाने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जैपनीज आदमी होता है और उसके पीछे लिंड्स है और सबसे पीछे जैनी होती है। ये तीनों लोग मिरर में अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। इसके बाद हेटर इन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है और हेटर इनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव करता है, और ऐसा बिल्कुल काफी दिनों तक चलता है। अब हेटर इन तीनों को अपने ग्राउंड में लेकर जाता है, जहाँ पर इनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव करने लगता है। वहां पर उस जैपनीज आदमी को वॉशरूम जाना था, जिससे कि वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है और वो वेस्ट लिंडसे के मुंह से होता हुआ जैनी के मुंह में जाता है, और मजबूरन इसके बेस्ट को इन दोनों को निकलना पड़ता है, और ये इस मूवी का सबसे घिनौना सीन है। अब हेटर इन तीनों का चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जैपनीज आदमी बिल्कुल ठीक है। जैनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो जैपनीज आदमी के बेस्ट मटेरियल को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, और अब जैनी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए हेटर जैनी की जगह किसी और आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी हेटर के दरवाजे को कोई नॉक करता है, और अब जब हेटर अपना दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो कि लिंड से और जैनी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, क्योंकि उनकी कार हेटर के घर से कुछ ही दूरी पर होती है। हेटर उन्हें बताता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा, वो एक सर्जन है और उसे उसके काम से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इसके बाद हेटर उनसे पानी के लिए पूछता है, और ये कहकर हेटर पानी लेने के लिए किचन में जाता है, और वो पहले की तरह उस पानी में ड्रग्स मिलाकर उनके पास लाता है। उनमें से एक ऑफिसर तो पानी को पी लेता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पीता, जिससे कि हेटर जबरदस्ती उस ऑफिसर को पानी देने लगता है, जिससे कि वो गिलास नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हेटर टॉवल का बहाना लेकर वहां से बाहर जाता है, जहां पर वो अपनी बेहोशी का इंजेक्शन लेकर वापस से आता है, लेकिन उस इंजेक्शन को वो ऑफिसर देख लेता है, जिस पर हेटर अपनी सफाई देते हुए बताता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ, क्योंकि मुझको डायबिटीज है। ये सुनकर वो दोनों ऑफिसर वहां से चले आते हैं। इसके बाद हेटर जल्दी से अपने लैब में जाता है, जहां पर उसे उसका ह्यूमन सेंटीपेड दिखाई नहीं देता। तभी वो जैपनीज आदमी हेटर के पैर में एक नाइफ को घुसा देता है, जिससे कि हेटर नीचे गिर जाता है। फिर वो हेटर को गले को काट लेता है। इसके बाद ये तीनों वहां से जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागते हुए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घाव काफी ज्यादा होने की वजह से ये लोग ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरीके से ऊपर जाने लगते हैं, जिससे कि इनके सर्जरी वाले हिस्से पर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और ये किसी तरीके से ऊपर आ ही जाते हैं। अब हेटर भी किसी तरीके से खड़ा हो जाता है। अब वो जैपनीज आदमी एक रूम में पहुंचकर भागे कांच को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे पीछे बिल्कुल हेटर होता है। अब हेटर बिल्कुल उनके पीछे ही था, जिसे देखकर वो जैपनीज आदमी अपना गला काट लेता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें उस घर में कोई भी दिखाई नहीं देता।
इसलिए ये दोनों हेटर के लैब में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग का नशा होने लगता है क्योंकि उसने हेटर का पानी पिया था, जबकि दूसरा ऑफिसर हेटर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर उसे ये तीनों लोग मिल जाते हैं जो कि ह्यूमन सेंटीपीड बने हुए थे। ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने साथी को ढूंढने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हेटर ने मार दिया है। अब हेटर उस पुलिस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मरने से पहले हेटर को ही शूट कर देता है, जिससे कि हेटर वहीं पर मारा जाता है। इधर जेनी भी अपना दम तोड़ देती है, लेकिन लिंड से अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। जल्द से जल्द इस वीडियो पर 100 लाइक्स करा दो। 100 लाइक्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि लिंड से और जैनी किस देश से जर्मनी आई थी। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आपको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक्स का ध्यान रखना, 100 लाइक्स जल्द से जल्द करा दो।